एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि माँ की महिमा संसार में किस कारण से इतनी गाई जाती है। स्वामी जी मुस्कुराए, फिर उस आदमी से बोले, जाओ और 5 किलो वजन का एक पत्थर लेकर आओ। जब वह व्यक्ति पत्थर लेकर आया तो स्वामी जी ने उससे कहा कि अब इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेट कर अपने पेट पर बांध लो और 24 घंटे के बाद मेरे पास आना, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। स्वामी जी के आदेश के अनुसार उस व्यक्ति ने पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया और चला गया। पत्थर पेट पर बंधे हुए वह दिन भर अपना काम करता रहा, परंतु हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस होती थी। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभाले हुए चलना फिरना उससे सहन नहीं हो रहा था। हार कर वह आदमी स्वामी जी के पास पहुँचा और बोला, मैं इस पत्थर को अब और अधिक देर तक बांधे नहीं रख पाऊंगा। एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं इतनी कठोर सजा नहीं भुगत सकता। फिर स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, पेट पर इस पत्थर का बोझ तुमसे कुछ घंटे नहीं उठाया गया। सोचो, माँ अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पूरे 9 माह तक ढोती है और साथ में गृहस्थी का सारा काम भी करती है। संसार में माँ के सिवा कोई इतना धैर्यवान और सहनशील नहीं है। माँ के जैसा निश्चल और निस्वार्थ प्रेम इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। माँ ईश्वर का ही दूसरा रूप है। माँ से बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं है। दोस्तों, मैं माँ के ऊपर 4 पंक्ति बोलना चाहता हूँ कि करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी, खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। दोस्तों, बंद किस्मत के लिए कोई चाबी नहीं होती, सूखे के उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती।